नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज बात करने जा रहा हूं कवि वीरेन डंगवाल द्वारा लिखी की कविता जिसका शीर्षक है तोप। इस कविता में कवि ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की हुई तोप का वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि 1857 की यह तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वारा रखी हुई है। जिस तरह कंपनी बाग हमें अंग्रेजों द्वारा विरासत में मिली है, ठीक उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही प्राप्त हुआ है और आजकल इस तोप को बहुत ही देखभाल से रखा जाता है और कंपनी बाग की तरह इस तोप को भी साल में दो बार चमकाया जाता है। दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को कंपनी बाग में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और तब यह तोप अपने बारे में बताती है कि मैं बहुत ताकतवर थी और मैंने अपने जमाने में बहुत सारे वीरों को मारा था और उन वीरों पर बहुत अत्याचार भी किए थे। तीसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब तो इस तोप की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आज छोटे बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं और जब इस तोप पर बच्चे नहीं बैठते हैं तब चिड़िया ही इस पर बैठकर आपस में बातचीत करती है और कभी कभी तो कुछ सारथी चिड़िया खासकर गोरैये भी तोप के अंदर घुस जाती है और वह हमें यह बताती है कि कोई कितना भी अत्याचारी हो, कितना भी क्रूर हो, एक न एक दिन उसका अंत जरूर होना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।